शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ला दिए पैसे, पूरे पैसे सपोर्ट में आते रहते हैं। शाम को ला दीजिए, मैं वापस आऊंगा। मिनिस्टर तो जाहिर सर आपको टैक्स का अंकल छे पाओ। ए छे पाओ ए सावियो छे पाओ रे छे 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 हर जगह झगड़ा ही झगड़ा। यहाँ कोंकणी मराठी का झगड़ा, वहाँ सिख हिंदुओं का झगड़ा, वहाँ गोरखालैंड में ओहो हर जगह झगड़ा ही झगड़ा। Thank you.
कितने जाए तो कहा कुछ नहीं बहुत हर जगह दंगा फसाद कभी जबान के नाम पे कभी धर्म के नाम पे अंकल अबे भी चार पाँ अंकल ओ माय लव चार पाँ जाए तो कहा सावियो चार पाँ रे बेबी के हाँ बेबी स्कूल ना ना पाँ गेटले आनी स्कूल आ गेटले हाँ अरे कितने जाए तो कहा चार पाँ अंकल ओरो विसर ले ए सावियो चार पाँ बेबी I'm so sorry. Begin right. Push out. क्या हो गया अपना देश को सब पॉलिटिशियन अपना सोचता देश मिस्टर अरे बाप ट्रांजिस्टर अंकल पेड्रो न्यूज़पेपर पर छपी दंगे फसाद की खबरों पे अफसोस जता रहे थे वो बड़बड़ा रहे थे राजनीति पे चिंतित थे और कौन कौन थे वहां पे हर रोज की तरह तीन चार ग्राहक थे और एक प्यारी सी बच्ची फिर मैं बेकरी से बाहर निकल आया अच्छा फिर क्या हुआ एकदम से बेकरी उड़ गया और वो जर्नलिस्ट वो भी साथ में उड़ गया इसका मतलब हमारे अगेंस्ट जो भी प्रूफ उसने कलेक्ट किया था वो भी यस वो भी गुड उसका बैड लक के वो बेकरी में गया और हमारा गुड लक हेलो हेलो जॉयल यस ब्रदर आई हैव गुड न्यूज फॉर यू वो बेकरी उड़ गया जॉयल मुझे बेकरी उड़ाए जाने की न्यूज मिल गई है मैंने लियो और जेकब को जो काम दिया था उसका पूरा रिपोर्ट चाहिए बेकरी और जर्नलिस्ट में डीप कनेक्शन है हमारे आदमी जर्नलिस्ट पीछा कर रहे थे और वो बेकरी में घुस गया थोड़ी देर बाद बेकरी ब्लास्ट हो गया था क्या तो फिर अपना पूरा एविडेंस वो जर्नलिस्ट के साथ खलास अब हमें कुछ डर नहीं अनजाने में पहली बार कालेकर ने अपनी मदद की है कालेकर हाँ जोएल कालेकर इसी तरह की एक्टिविटीज करा कर सीएम की चेयर घसीटना चाहता है जबकि मैं दोबारा इलेक्शन कराना चाहता हूं उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है इसलिए मैंने भी प्रेस वालों को इनवाइट कर लिया लेकिन जोएल ये न्यूज देकर तुमने मुझे बड़ा रिलैक्स कर दिया रिलैक्स ब्रदर इस हंगामे में किसी ने तुम लोग को देखा तो नहीं नो पुलिस आने से पहले हम लोग निकल गए तुमने वहां बैठे हुए आदमियों में किसी का फेस ऐसा वैसा नहीं देखा जो नहीं मैंने इतनी गौर से किसी को नहीं देखा मैंने कहा ना मैं अंकल पेड्रो की बातें सुन रहा था अच्छा इतने में एक आदमी घबराहट में आकर कुर्सी पर बैठ गया उसका हुलिया याद है नहीं मेरे बाहर आने के बाद ब्लास्ट हुआ तुम वहां थे और फिर भी तुमसे कुछ काम की बात मालूम नहीं हो रही आई एम सॉरी जो देखा वो बता दिया संजीव स्टेट में दहशत फैलाने के लिए मराठी और कोकणी के नाम पे कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट नकारा है बांडोरकर साहब ये तो अब आपकी ड्यूटी है कि छानबीन करें तुम जैसे लोग मिलते रहे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा मैं चलूं वाह सच हरी ऐसा है कि पावले निकला था अच्छा और इतने सवेरे माँ के जूते नहीं खाना चाहता तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो पिताजी के देहांत के बाद मैं पढ़ नहीं सका ठीक है कल सुबह 10 बजे तुम मुझे फेरी पर मिलना मैं तुम्हें अपने पुराने कॉलेज में एडमिशन दिलवाने की कोशिश करूंगा जी सर चलूं ओके नाउ यू कैन गो कैरी ऑन कितनी देर कहां लगा दी तूने तू बेकरी पाव लेने गया था कि बनाने मैं पुलिस स्टेशन गया था पुलिस स्टेशन अच्छा
आजकल पाव पुलिस स्टेशन पर बिकने लगे हैं। अरे जो काम सुबह उठकर तुझे करना चाहिए था मैं और तेरी बहन करके आ रहे हैं। अरे मुझे क्या मालूम था माँ, मैं पाव लेने जाऊंगा और मेरे निकलते ही बेकरी में ब्लास्ट हो जाएगा। क्या? हाँ माँ, किसी ने बम रखकर बेकरी को ब्लास्ट कर दिया। और क्या? पेड्रो का? वही नहीं बल्कि बेकरी में बैठे बाकी लोग और एक प्यारी सी बच्ची बेदर्दी से मारे गए, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तुझे ऐसे चक्करों में पड़ने की जरूरत ही क्या है? तो क्या मैं आंख बंद करके चला था जैसे कोई फिल्म देखकर घर चलाता है? मैं पहले ही तेरे पिताजी को पुलिस स्टेशन में खो चुकी हूँ। माँ अगर मैं खुद नहीं जाता ना, वो इंस्पेक्टर दीपक बांडोडकर है ना, वो मुझे घर से उठाकर ले जाता। दूसरों की फिक्र करने से पहले अपने घर वालों की सोच। चल अब अंदर चल, बहुत काम पड़ा है, चल। अब कली की दुर्घटना को लीजिए, मैं कहता हूं उस बेचारे बेकरी वाले का दोष क्या था, लेकिन उसको बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन वो बेकरी वाला ईसाई था, कोंकणी था, आखिर उसे क्यों? हाँ, तेस्तर ही चिया लोकांची चाल है भाई। जाहिर है लोग तो यही कहेंगे कि ये काम मेजॉरिटी वालों का है। मैं कहता हूं अगर मेजॉरिटी वालों पर ही दोष लादना है तो अपने ही भाई को खत्म कर दो और कहो कि मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वालों को रहने नहीं देते। साहब ये भारत अगर लोकतंत्र भी हो जाए तो आखिर बहुमत तो हमारी है, माइनॉरिटी वालों को माइनॉरिटी वालों की तरह रहना सीख लेना चाहिए। हम भी भगवान यीशु को मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम मराठी को हटाकर कोंकणी भाषा का स्वीकार कर ले। और यह बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि जो केएलएम के नेता बने फिर रहे, हमारे ईसाई भाइयों को हम हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे। डू यू मीन टू से दैट मिस्टर डेनिस परेरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेकरी ब्लास्ट? भाई मैं कहने वाला कौन हूं, मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि अगर मेजॉरिटी की भाषा मराठी है तो फिर मराठी से इतराज क्यों? बट वाई, वाई इंपोज योर मराठी ऑन अस? क्योंकि पावर में रहने वाले पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि हम क्रिश्चियंस दब कर रहे हैं लाइक सेकंड क्लास सिटीजंस, बट वी विल नॉट। अब आप ही देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, एक क्रिश्चियन को बोट का लाइसेंस नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसने एप्लीकेशन कोंकणी में लिखी थी, मराठी में नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, इट मींस हम क्रिश्चियन ब्रदर्स को सताने के नए नए वेज, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, उस बेचारे बेकरी वाले क्रिश्चियन का क्या कसूर था, उसने क्या बिगाड़ा था? सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिक्स में मारा गया और न्यूज ये फैलाई जा रही है कि केएलएम वालों ने, यानी कि ऑपोजिशन वालों ने यह काम किया होगा। यह भी नहीं कहते कि काम किया है। हमारी पार्टी ये चाहती है, नॉट ओनली आवर पार्टी, जनता ये चाहती है कि असेंबली डिसॉल्व हो, इलेक्शंस फिर से हो, क्योंकि इस गवर्नमेंट के हाथों स्टेट कंट्रोल नहीं हो रहा, पब्लिक में डर बैठ गया है। और इस बेकरी ब्लास्ट के बाद में तो लोगों को अपने सिक्योरिटी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। और इन सत्ताधारियों को देखो, सत्ता में रहने वाले हर आदमी के साथ 8-8 सिक्योरिटी के मैन चलते हैं, उनके पास फॉरेन के स्टेन गन्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स डाल के चलते हैं। और लोगों का क्या? लोगों के सिक्योरिटी के बारे में कोई ख्याल नहीं। पब्लिक का क्या, वो रहे या मरे, कोई जगह सेफ नहीं रही, चाहे वो घर हो या होटल्स हो, सिनेमा हाउसेस हो या फेरीज हो या सी बीचेस हो। अरे जब जरूरत पड़ी लेके पीछे पड़ जाती हूँ। अरे माँ, अरे माँ, भाग, अरे सुमर में शांत कर जाएगा। काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? अरे माँ,
अरे रुक, देख तू भागेगा तो अच्छा नहीं होगा। ना तू बीच में। रुक जा माँ, रुक जा। इंस्पेक्टर बारकोड करने मुझे एडमिशन दिलाने का वादा किया है। अरे माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ एडमिशन। अरे माँ अरे 15, 20, 25, 30 अब 50 तक तो अपना रिकॉर्ड है बेटा। अरे जा यार। आ कर जाएगा। 40। ये पोजीशन तो शीर्षासन का भी बाप है बेटा। सलीम। क्या बे? आपकी बेकरारी का करार आ रहा है। अच्छा मन रही है। आदाब सलीम मियां। आदाब बोल रहे हैं। आदाब बोल रहे हैं। अभी तक रोमियो जूलियट नहीं आए? वो तो नहीं आए, लेकिन हाँ वो तो लल्लू आए, अपने कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। खुदा के लिए मेरी बात मान लो, दोनों भाइयों में से एक भाई तो मूछ रख लो। जी हाँ, ताकि इन कमबख्तों को पहचानने में आसानी हो। अब इन दोनों में से किसी एक ने मुझसे 50 रुपए लिए, अब इससे पूछो तो कहता है इसने लिए, इससे पूछो कहता है उसने लिए। अरे इसने लव बन के कितनों को बनाया। चल निकाल मेरे पैसे, चल। लगता है आज माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ए तेरे बोले फौजिया का लिए क्या कानाफूसी हो रही है औरतों की तरह? अरे कुछ नहीं, मैंने इन बदमाशों को पैसे दिए थे, वापस ले रहा हूँ, चल जा। दे दूँ? दे दे भाई। तू भी क्या याद करेगा? हेलो भाई, आ गए हमारी स्टोरी के हीरो हीरोइन। आज लव बर्ड्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ यार, शी इज लुकिंग डैम क्यूट। आओ लैला मजनू आओ। क्या संगीता जी, पीटर साहब, ये कोई टाइम है यार आने का? मिन साहब को देर हो गई तैयार होने में। झूठ, बिल्कुल झूठ, पीटर महाराज लेट आए थे। मैं तो कितनी देर से, बिल्कुल झूठ बोल रही। चलो चलो क्लास नहीं अटेंड करना, घंटी बज गई। घंटी नहीं घंटा। तू कहाँ जा रहा है? बस आया यार, एक मिनट में आया। अरे किधर? तुम चलो यार, तुम लोग कहाँ? तुम लोग बैठो, मैं अटेंडेंस देके आता हूँ, तू धंधा कर। मार्कोस दादा, अरे आओ मेरे दुकान के पहले की रात। तू जब भी अपना बिजनेस का बोनी करता है ना, उस दिन अपना धंधा बहुत चलता है। कितना चाहिए? आधा तोला दे दे, आधा तोला दे दे। बस आधा तोला? आजकल तूने बहुत कम कर दिया यार। वो क्या है कि कड़की का जमाना चल रहा है, क्या करूंगा। और वो तेरे नए ग्राहक का क्या हुआ? वो बनाऊंगा यार, बनाऊंगा। जल्दी करो, माल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ पॉइजनस स्नेक एंड अ नॉन पॉइजनस वन? इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट ऑब्जर्व द हेड ऑफ द स्नेक। इफ इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट विल टर्न आउट टू बी अ पॉइजनस वन। द अदर वे इज टू ऑब्जर्व द स्केल्स एंड ओह हेलो दीपक। हेलो फादर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। How are you, father? Fit as a fiddle. And who is this young man? Sanjeev Kamath, father. Mm-hmm. मैं इसे यहाँ admission के लिए लाया हूँ। किस faculty में? Science में, father. Oh, then you'll be joining this batch. I hope so. दीपक, वो bakery blast के बारे में कुछ clue मिला तुम्हें? नहीं, father. ये हमारे देश के नेताओं को हुआ क्या है? बस एक-एक दूसरे को blame करते रहते हैं। कभी Christian leader हिंदुओं को, हिंदू leader Christians को। तुमने वो पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेटमेंट पढ़ा? ये वही लीडर हैं जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश को बेच सकते हैं। मैं तो कहता हूं तुम जैसे नौजवानों को उठकर इन गलत लीडरों से इस देश को, इस स्टेट को बचाना है। आई एम सॉरी, आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स यंग मैन? फादर, घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि दुनिया के बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं है। टाइम निकालना चाहिए संजीव,
क्योंकि इस कंट्री का फ्यूचर तुम्ही लोगों के हाथों में तो है। तुम लोगों को ये जो रिलीजन, ये लैंग्वेज, ये ऊंच नीच की दीवारों से उठकर दुनिया के बारे में सोचना है। But sometimes I cry. I pray कि गॉड इंसानों को अक्ल दो ताकि ये एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहें। फादर, आपके जैसे सोचने वाले कितने होंगे इस दुनिया में? सिर्फ दो। एक तुम और एक मैं। संजीव के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। अच्छा, तुम जाओ, प्रिंसिपल से मिल लो। अच्छा। और देखो, yes? मिलने आया करना, गायब मत हो जाना। Definitely, definitely. All right, संजीव, I hope to see you, sir. Sure, sir. Bye. Bye, father. चलो संजीव। May I come in, father? Come in. Oh, hello, Deepak. Good morning. Good morning, good morning. Where were you, son? Father, आजकल, oh, sorry, father. Yes, संजीव काम। Good morning, father. Good morning, संजीव. Sit, बैठो, बैठो. Thank you. Sit. Hmm. हाँ, तो कैसे आने हुआ दीपक? Father, संजीव की दिल्ली के गुजर जाने के बाद, he could not complete his studies. He has tried in many other colleges, father. आप तो जानते हैं कि आजकल एडमिशन मिलते नहीं, बिकते हैं। फादर, वो क्या है कि मैं मार्कशीट लाए हो? जी हाँ। Show me. ओके संजीव, दीपक की रिकमेंडेशन पर एज ए स्पेशल केस मैं तुम्हें एडमिशन दे रहा हूँ। हाँ, तेरे जूस सेंटर पे बुलाया था, तू आया नहीं? क्यों नहीं आया तू? मेरी माँ की तबीयत खराब थी। माँ की तबीयत? ओह नो, आई एम फेड अप ऑफ दिस डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। मैं तुम्हें जब किसी और जगह पर बुलाऊंगा और तुम अगर वहाँ पहुंचे नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर दूंगा, समझा? टेररिस्ट कर रखा स्टूडेंट्स को। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद हिम। लेकिन वो लड़के इस कॉलेज के तो नहीं है। जब देखो बाहर से गुंडे लेकर चला आता है। दीपक, प्लीज डू समथिंग। ये साला पंडोट कर खड़ा है, लफड़ा करेगा, छोड़ी से चल भाग। फादर, पांडोट कर साथ अकेले हैं और वो चार, मैं देख के आता हूं। ने तो सांस लेना मुश्किल कर दिया। कॉलेज छोड़े बरसों हो गया, सोना ऐसे चलाता जैसे अपना बाप का घर हो। बहुत दिन से मेरे चाकू में जंग लगा है। क्या तुम भगत का मर्डर करना चाहते हो? हाँ, ताकि ये बार बार भागने से छुटकारा मिल जाए। Thank you.
डीसीपी साहब जी, सब इंस्पेक्टर दीपक बांदोड़कर मर्डर केस में कुछ आगे बढ़े आप? हाँ, दो चार सस्पेक्ट को पकड़ा तो है, बट आई नाउ हेट दिस टेलीफोन कॉल्स। चाहे किसी को भी पकड़ो, फौरन फोन आने लग जाएंगे। जरा ख्याल रखिए, मेरा आदमी है। अच्छा, फोन किसने किया था? मैं 32 दांतों में एक जबान हूँ, कालेकर साहब। डीएसपी साहब, ये तो बताइए, आखिर आपने पकड़ा किस किस को? वही सैबी, लियो, जैकब और राउडीज। मुझे भी यही उम्मीद थी, और मैं ये भी जान गया फोन किसने किया था। लेकिन ब्रदर, वो गुड इवनिंग पात्रों, तुका कितले फाउटी सांगले हावेन, तुका कितले फाउटी सांगले हावेन, कितनी बार बोला यहाँ आने की जरूरत नहीं, जोएल के ऑफिस में जाया करो। पात्रों, मैं ऑफिस गया था, पन जोएल यहाँ था, इसलिए मैं। तुम्हारा बेल हो गया ना? वोए बेल तर झाले, पन केस तर चालू असा। चालू असा, चलेंगा आज। पुलिस ऑफिसर को मारने से पहले ये सोचना था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम सस्पेक्ट करके पकड़े गए। तुम्हें छुड़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा मालूम है? वो इंस्पेक्टर बंदोदकर हम लोग को बहुत सताता था। तो उसे जान से नहीं मारना था? देखा नहीं, वो तो मर गया, लेकिन सारी पुलिस अलर्ट हो गई। सभी तेरी वजह से मेरा 30 लाख का माल पकड़ा गया और परेशानी अलग हुई, समझे? जोएल, अगली कंसाइनमेंट आने से पहले मुझे हर तरह का सेटिस्फेक्शन चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस ब्रदर। साबे, मैं बात रहा हूं, तुम अपना सारा ध्यान कॉलेज के इलेक्शन पे लगाओ। तुम्हारा केस एज सून एज पॉसिबल फिनिश करा दूंगा। थैंक यू पात्रों, कॉलेज की आप फिक्र मत करो। ओफ, स्टॉप इट, हद हो गई करप्शन की। सैबी सुअर बेल पे छूट गया। सुना है उसकी बहुत पहचान है, एक फोन किया और बस। तुम्हारे डैडी को चाहिए कि ऐसे लोगों को बचाने जो आए, उनकी बात ऑफिसर्स को ना सुनने दे। अगर संगीता के डैडी अब इस तरह के मामलों में उलझने लगे तो फिर अपना काम कब करेंगे यार वो। और फिर कत्ल के मामले में द मेन थिंग इज विटनेस, आई विटनेस। सैबी को तो सिर्फ एज ए सस्पेक्ट पकड़ा है इन्होंने। संगीता, वहाँ जो लड़का बैठा है वही बांदोड़कर के साथ था ना जिस दिन उसका मर्डर हुआ? लगता तो वही है। हाँ। हाय, यू आर द न्यू स्टूडेंट? या। माय नेम इज पीटर सैमुअल। संजीव कामत। अकेले बैठे हो, सो व्हाई डोंट यू जॉइन अस? श्योर। फ्रेंड्स, कम अलोंग। Hey guys, everybody meet Sanjeev Kamath. Sanjeev, this is Salim. Hi. Ye Sangeeta hai. Hello. Hi. Ye Fauzia. Hello. Carlton. Hi. Hi. Love and Kush. Hi. Welcome aboard. Thanks. Us din tumne Sabi ko chaku marte hue dekha? Chaku marte hue nahi. Yahi tumne bayan diya tha aur Sabi aur uski gang pakdi gayi? Jo dekha tha, wo bata diya. Aur phir bhi saath chhod gaya? But Sanjeev, तुम्हें ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए। दीपक बांडोडकर जैसा शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर मार दिया जाए और मैं खामोश रहूं, आखिर क्यों? क्या कसूर था उसका? सिर्फ इतना कि वो समाज में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ था? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एवरीबॉडी आउट, गेट आउट। साला आप लफड़ा करेंगे। तुम सब भी चलो, चल जाओ। संजीव चल चल, तुम लोग जाओ। पागल मत बन यार, जबरदस्ती तू भी। तुमने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिया? अफसोस तो इस बात का है, मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका, वरना 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 क्या? वरना तेरी बेल नहीं होती। Don't talk shit, वरना तुझे भी बंडोडर के पास पहुंचा दूंगा। अपनी शक्ल देखी है तूने शीशे में? Get up, get up, out। सभी, अबे तेरी तो। ये मत समझना तुम लोग के संजीव अब अकेला है।
चल संजीव। साबी 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 कसमें दिए जा कुछ वादे किए जा कुछ कसमें दिए जा कुछ वादे किए जा। जवानी के दिन है प्यार किए जा, खुशी हो या गम हो यार जिए जा, कुछ कांटे दिए जा कुछ फूल लिए जा, कुछ कांटे दिए जा कुछ फूल लिए जा। संजीव पिकनिक में मजा आया कि नहीं? हाँ यार बहुत मजा आया। कॉलेज में आने से पहले मैं कुछ और ही सोचता था, न जाने कैसे लोग मिलेंगे, दोस्त बनेंगे या नहीं। यार तुझसे एक बार मिलने के बाद कोई भी बार बार मिलना चाहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जन्म जन्म से जानते हैं। संगीता इफ यू डोंट माइंड पहले मुझे घर छोड़ो फिर संजीव को छोड़ना। नहीं नहीं मुझे रास्ते में कहीं भी उतार देना, मैं बस में चला जाऊँ। अब हम इतने बुरे तो नहीं, क्या आपको घर तक न छोड़े? बातों बातों में आगे ना निकल जाना, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लो। पीटर महाराज आपका घर मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और यहाँ से राइट और राइट। संगीता लवकुश को फोन कर देना कल मेरी मोटरसाइकिल कॉलेज ले आए। ओके संजीव बाय। ओके बाय। अब आप आगे आने की तकलीफ करेंगे? श्योर। That swine sab bitch in Kurtuban maka boring lagunant. I am totally fed up with him. अभी अभी बांडोडकर का केस फिनिश नहीं हुआ और बुल की तरह सिंग मारने चला उस लड़के को। क्या क्या नाम है उसका? संजीव कामत। राइट, संजीव कामत। लेकिन संजीव के साथ उलझने की उसे जरूरत क्या थी? हाँ तो कसांता जोएल, संजीव अगर कालेकर का आदमी है तो वो खुलकर सामने आ गया है। नो ब्रदर,
वो संजीव कालेकर का आदमी नहीं, पंतोदकर का आदमी है। वो पुलिस वाला जिसे सैबी ने सुला दिया था, उसी ने तो कॉलेज में एडमिशन दिलाया है। इट मींस संजीव के पुलिस के साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस है। जॉयल, उसे चेक करना बहुत जरूरी है। और उस सुअर सैबी से कह दो, अगर एक भी पुलिस के साथ और बना तो मेरे लिए उसे बचाना डिफिकल्ट हो जाएगा। माँ सो रही है? हाँ, खाना खाओगे? हाँ, बहुत भूख लगी है। अभी लाती हूँ। शिल्पी, तू ये सब क्यों करती है? माँ ने अगर देख लिया तू मेरे लिए खाना और कंबल लेके आई है, वो तुझे कच्चा चबा जाएगी। वो पिछले जन्म में जरूर राक्षसनी रही होगी। धत, कोई माँ के लिए ऐसा कहता है? कहता तो नहीं, लेकिन कोई माँ भी ऐसी नहीं होती जो अपने इकलौते बेटे को ठंडी रात में घर से बाहर निकाल दे। उसने तुम्हें निकाला नहीं, तुम तो खुद भाग कर आए हो घर से। वहां रहता तो पिटता। तुम माँ को बहुत सताते हो भैया। कहाँ सताता हूँ मैं? ये कोई समय है घर आने का? जब तक बापू थे तब तो माँ ऐसी नहीं थी। तुमको मालूम है भैया, जब तुम नहीं होते तब माँ तुम्हारे सिवा किसी की नहीं सोचती। टोकरी दो टोकरी सपने हैं तुम्हारे बारे में माँ के पास। वो उसे हवा देती है, धूप देती है और सेक कर रख देती है। और जैसे मैं घर आता हूँ वो म्यान से तलवार निकालती है, जैसे कि मैं उसके सपने चुरा कर ले जाऊंगा। नहीं भैया, अगर ऐसा होता तो क्या माँ मुझे भेजती है खाना देकर? क्या ये खाना माँ ने भेजा है? और ये कंबल भी भेजा है। हट, खाने का मजा ही खत्म हो गया। मैं तो सोच रहा था तू माँ से चोरी छुपे खाना लेकर आई होगी, इसलिए खाना तीखा लग रहा था। अब तो खाने का मजा ही फुस हो गया। ओ भैया। अच्छा अच्छा, जल्दी दे, ठंडा हो जाएगा खाना। पकड़े से खाएगी, ये ले। मजा आ गया, संजीव ने साबी की छुट्टी कर दी। ओह वेरी गुड, ये तो होना ही था, बहुत मजा आया। देखो देखो देखो, चर्सी सूटा बना रहा है। सलीम, तू ये बुरी आदत नहीं छोड़ेगा। छोड़ दी यार, छोड़ दी। तू चरस और ब्राउन शुगर से अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा है? ये चीजें दीमक बन के तेरी जिंदगी को खा जाएंगी। तू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, तुझे इतना भी ख्याल नहीं? बंद कर यार ये अपना तू लेक्चर वेक्चर। ठीक है यार, मैं वादा करता हूँ आज के बाद नेवर। अरे छोड़ यार, तू हर दिन यही कहता है, आज के बाद आज के बाद। नशे के वादे नशे तक रहते हैं। नशा उतरा वादा फुर। सलीम, तुम्हें शर्म नहीं आती? सलीम, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम फिर भी। अगर फौजिया यहाँ होती तो कितनी शर्मिंदा होती। मैं वादा करता हूँ संगीता कि फौजिया और तुम लोगों के लिए मैं आज से ये पीना छोड़ दूंगा। I promise you. Good. तो इसी खुशी में हम तुम्हें खुश करते हैं। जाएगा दिल जो टूटा, मारो तू।
जुड़ जाएगा दिल जो टूटा मारो सूटा सूटा लगाओ यारो लो एक दूजे का झूठा उड़ जाएगा दिल जो तू जाएगा दिल जो तू संजीव प्लीज लिसन टू मी नहीं यार ये इलेक्शन विलेक्शन मेरे बस का काम नहीं तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता तू हीरो बन गया है यार अरे अंदर अंदर से सब लोग बहुत खुश है कि एक तो आया सैबी की पिटाई करने वाला इसलिए तू इलेक्शन जीते ही जीते और हम सबका भी यही ख्याल है यार नहीं यार तू मेरी माँ को नहीं जानता मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मुझे डांट देती है यार तू अगर हाँ कहेगा तो माँ को भी जाके मना नहीं यार वो पीट डालेगी हम सबको संजीव हाँ तो का फादर आप ही था मैं मिलके आता हूँ हाँ वो करो संजीव मैं मिस्टर कालेकर से मिला था कालेकर हाँ तुम नहीं जानते उनको नहीं अरे वही अपने संगीता के डैडी हाँ मिस्टर शशांक कालेकर मराठी सेवा संघ के सेक्रेटरी हैं और इस इलाके के एमएलए भी वो तुमसे मिलना चाहते थे मुझसे फादर हाँ वो सब खबर रखते हैं उन्हें पता चल गया है तुम्हारे और सैबी के झगड़े के बारे में कह रहे थे कि मैं ऐसे लड़के से मिलना चाहता हूँ और फादर ये न्यूज ऐसे हो गई जैसे कि मैं मून पे पहुंच गया हूँ थैंक्स टू यू अब सैबी से कोई नहीं डरेगा तुम ऐसा करो मिस्टर कालेकर से मिल ही लो फादर मैं आज ही मिलता हूं उनसे गुड मैं चलूं फादर यस सर शाबाश पुरुषोत्तम अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग जो तूने भंग कराई मजा आ गया सुना है सब सर पे पैर रखकर भाग गए ये सब आपका आशीर्वाद है दादा साहब अरे नाई वेड़िया ये सगड़ी तुझे कमाल है दादा साहब मुझे आपसे एक राय लेनी हाँ बोल बोल याद है अपने एरिया में एक होटल प्रोजेक्ट की बात की थी मैंने हाँ याद उस जमीन पर एक पुराना बंगला है उसके मालिक की बहुत पहुंच है इसीलिए खाली नहीं कर रहा है तुझसे ऊंची क्या बकता है पुरुषोत्तम सुन अपने आदमी ले जा मकान को आग लगा दे बाकी आगे का सब मैं संभालता हूँ दादा साहब अब मैं बेफिक्र हो गया साहब संजीव साहब आए संजीव कामत हाँ तुम ऐसा करो उसे स्विमिंग पूल पे बिठाओ मैं आया हाय संजीव हाय संगीता तुम कॉलेज नहीं गई आज नहीं गई तुम कैसे आए तुम्हारे डैडी ने बुलाया था नौकर ने कहा वो मीटिंग में है उन्होंने कहा कि पूल साइड पे जाकर बैठ जाओ बैठो मैं अभी आई सुना है तुमने
चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है? चुनाव उनाव मेरे बस की बात नहीं। ओह कम ऑन संजीव, अगर सैबी जैसा गुंडा लड़ सकता है तो तुम क्यों नहीं? मेरा मतलब है, तुम समझ गए ना? उसकी बात अलग है, चुनाव में भाषण देने पड़ते हैं और मेरे घर में भाषण सिर्फ मेरी माँ देती है। और हमारे घर में मेरे डैडी। अरे भाई क्या बुरा चल रहा है हमारी? कुछ नहीं डैडी, ये है संजीव कामत। नमस्ते जी। संजीव कामत डैडी। हेलो हेलो, बैठो बैठो। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ बेटी। और संजीव तुम जाना नहीं? अगर संगीता एक अगर चाह पाठो तुझा संजीव साठी। हो डैडी। सुनाओ बेटे कैसी पढ़ाई चल रही तुम्हारी? ठीक चल रही सर। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से कल ही मिला था। अरे भाई बहुत तारीफ कर रहे थे वो तुम्हारी। सैबी को जो तुमने सबक सिखाया। सर वो तो यूं ही उलझ पड़ा था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। बहुत गुंडागर्दी पर उतर आया था वो। अब सुना है तुमने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आपको कैसे मालूम है सर? अरे भाई तुम्हें पता नहीं हमारी जासूस तुम्हारे साथ पढ़ती है। ओ डैडी। हाँ संजू तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सर मुझे राजनीति से कोई लगाव नहीं और ना लीडर बनने की कोई इच्छा है। कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाएं बदलनी पड़ती है। तुम्हें मालूम नहीं तुम कॉलेज में कितने पॉपुलर हो। हाँ संजीव, कॉलेज में हर एक की जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। सब कहते हैं कि साबी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वो तुम हो। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें फोर्स करना भी नहीं आता। अरे भाई जरा अच्छी तरह जरा प्यार से कहो। ओके डैडी। संजीव कामत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इलेक्शन में खड़े होकर साबी जैसे गुंडे से हमारे कॉलेज को बचा लें, प्लीज। नहीं भाई। हे, किधर जाता? बाथरूम। कॉलेज के पीछे खुला मैदान है, वहां जाओ। क्यों? चल जाना बास्टर्ड। चल बॉस। कहां जा रहे हो? बस जा रहे। Get out before I make a mess of you. Get out. Begin कर रहे। सभी बोलते जल्दी करो। हाँ सभी बोलते जल्दी करो। कर रहे हैं ना यार अभी तो। जलता तो अच्छा है यार तुम्हारा माल। कम जलाने का कि ज्यादा? जला यार थोड़ा जल। बस। ले ले यार, इसी बात पे एक पफ और ले ले। देख तू कहता है तो मैं ले लूंगा, लेकिन अब इसके बाद तू मुझे फोर्स नहीं करना है। गुड बॉय। प्लीज ले ले। मॉर्निंग फादर। मॉर्निंग। व्हाट आर यू डूइंग हियर? नथिंग, जस्ट स्टैंडिंग। जस्ट स्टैंडिंग? हां। Who are these boys? ये मेरे दोस्त हैं। तुम्हारे दोस्त हैं? जी। They don't belong to this institution. मुझे इनके आइडेंटिटी कार्ड देखने। फादर ये मेरे साथ आए, मुझे मिलने आए। तुम्हें मिलने आए? जी। कॉलेज के वक्त तुम्हें यहाँ पे मिलने आए। इनसे कहो तुम्हें बाहर जाके मिले। But father, I have... मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ तुम लोग। You! Out! चल रहे। Out. But father, I... Out, I said. चल रहे। Out. And you. But... Go to your classroom. Come on, quick. गुड मॉर्निंग फादर। सलीम। सलीम कौन थे ये लोग और तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? फादर कुछ नहीं, हम लोग तो सिर्फ इधर सिगरेट पी रहे थे फादर चुपके। देखो सलीम तुम एक अच्छे लड़के हो, अच्छी फैमिली के हो, क्यों तुम अपनी लाइफ इस नशे में बर्बाद कर रहे हो? आई एम सॉरी फादर, आगे से नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी फादर। तुम अभी से लड़खड़ाने लगे, आगे जाके पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। चलो। थैंक यू। केयरफुल। फौजिया मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फौजिया बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें कहने की कोशिश भी की लेकिन अपने से बना ही नहीं यार।
तुम्हारे सामने तो मैं बोल ही नहीं पाता। पता नहीं तुम समझोगे कभी या नहीं। That I love you very much, Fauzia. I love you very much. I can't live without you. कौन है भाई? कौन? किसने आके मेरे सपनों को बिखरा दिया? कौन है यार? तेरा बाप। अरे मार्कोस तुम? ये ले यार, तू भी एक कश मान ना यार। चल हट। मैं कश लेने नहीं, तुझसे ये पूछने आया हूँ कि फादर मारियो को अपन लोगों के बारे में क्या क्या बताया। बोल। फादर मारियो, वो समझता है कि नशा बहुत बुरी चीज है, मगर उसे क्या पता कि मैं नशे के बाद फौजिया के कितने करीब आ जाता हूँ। अब तुझे उससे कितना दूर कर देता। बोल साले। बोल। फादर मारियो को तो अपन लोगों के बारे में क्या क्या बताया। बोल। बहुत नहीं, नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। याद रख, अगर तूने किसी को बताया कि ड्रग्स की सप्लाई हम करते हैं, याद रख शर्सी, याद रख, तेरी फौजिया तुझे कभी नहीं मिलेगी। कोई आ रहा है, चलो। सलीम, 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 ये कौन लोग थे? सलीम, मैं कुछ नहीं बताऊंगा बाप, मैं कुछ नहीं। डैडी, संजीव आया है। नमस्ते सर। आओ संजीव, बैठो। थैंक यू। हाय। हाय। सर मैं सलीम के बारे में। ये बड़ी गंभीर बात है संजीव, मैं जानता हूँ ये किस ग्रुप का काम है, कॉलेज में ड्रग्स के धंधे कौन चला रहा है। सर अगर आप जानते हैं तो उन्हें पकड़वाते क्यों नहीं? आई एम सॉरी माय बॉय, ये एक मजबूरी है। ये जो ड्रग्स का रैकेट है वो जोएल फर्नांडिस का है और उसे डेनिस परेरा का प्रोटेक्शन है, और वो डेनिस परेरा जो आजकल केएलएम यानी कोकणी लॉबी का नेता बना है, इसलिए गवर्नमेंट इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि उसे छेड़े। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ डेमोक्रेसी माय बॉय। ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये कैसी सरकार है, सिर्फ इसलिए कि कोई स्मगलर या कोई ड्रग ट्रैफिकर किसी एक लॉबी का नेता है उसे छूट दी जा रही है, वो मनमानी कर रहा है। डेमोक्रेसी, मैं तो आज भी त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या सिर्फ मेरे त्याग पत्र देने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, कुर्सी छोड़कर हमें आज जो कुछ करना है वो भी कर नहीं पाएंगे। बगैर सत्ता के कुछ भी करना नामुमकिन है। इस संघर्ष में हम सबको शामिल होना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज की युवा पीढ़ी इससे कतरा रही है। आज देश की राजनीति के लिए कॉलेज इलेक्शंस भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन डैडी, कॉलेज इलेक्शन का राजनीति से क्या लेना देना? यही तो बात को समझना है बेटी। आजकल देश भर में इतने जो युवा दल हुए हैं, वो इसीलिए आजकल कॉलेज में गुंडागर्दी करके अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने लोगों को चुन कर ला रहे हैं। सैबी जैसे गुंडे विद्यार्थियों के नेता बने फिरते रहे थे, और संजीव जैसे युवक जिनमें इन गुंडों से टकराने की ताकत है, जिनमें पछाड़ने की ताकत है, वो इलेक्शन से कतरा रहे। नहीं सर, मैं कतरा नहीं रहा हूं। इलेक्शन से ज्यादा मैं इन गुंडों और ड्रग डीलर से निपटना जरूरी समझता हूँ। इसीलिए तो तुम्हारा कॉलेज इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। तुम्हारा कॉलेज परेरा जैसे दुश्मनों के हाथ मत जाने दो। अगर तुम चाहो
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। ठीक है सर, मैं अपना फैसला बदलता हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। कॉलेज से गंदगी हटाने के लिए मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सैबी से कॉलेज स्टूडेंट्स कब तक डरेंगे? उन लोग को तो संजीव कामत का पूरा सपोर्ट मिला है। डोंट वरी, कॉलेज मेरा है, अपुन का ही जोर चलेगा। और अगर किसी ने गड़बड़ की, लिसन टू मी पीटर, कुछ लोगों ने सलीम को पीट दिया और हम कुछ ना करें। क्या करें, सलीम ने कुछ बताया हमें? वो तो खुद छुपा रहा और हम लोगों से पूछते फिरे कि किसने मारा। यू मीन टू से इलेक्शंस को हम लोग भूल जाए और सैबी हमारी? इलेक्शंस 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 इलेक्शन सलीम से बढ़कर हो गए। हाँ, वरना कॉलेज अपने हाथों से गया साल भर के लिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? संजीव के सर पे बदले का भूत सवार है। सलीम की पिटाई करने वालों की तलाश है इसे, इलेक्शंस की तो फिक्र ही नहीं है इसे। संजीव ठीक ही तो कह रहा है, हमें मालूम तो करना चाहिए। रही इलेक्शन की बात, वो तो हम जीत ही रहे हैं और काम भी चल ही रहा है ना। हवा में बात मत करो संगीता, सैबी से जीतने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। और हो सकता है सैबी की शरारत हो ये हमें डराने के लिए। संगीता के डैडी ने मुझे बताया कि जोएल फर्नांडिस सैबी के जरिए। फिर जाइए लड़कर फैसला कीजिए, वो जो मारधाड़ करता आया ना, आप भी वही जाकर कीजिए, मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। पीटर। अरे जाने दो, मैं तो पहले ही इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, मैं अभी इलेक्शन से विड्रॉ कर सकता हूँ। नहीं संजीव, इस समय से करना ठीक नहीं। मजा आ गया, पीटर और संजीव का लड़ाई, यानी कि हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में एक दीवार खड़ा हो गया। लेकिन इन लोग लड़े क्यों? याद है उस दिन मार्कोस ने मेरे छोकरों के साथ सलीम की ठुकाई की थी, जिसे तुम मिस्टेक बोला था, उसका अब फायदा हुआ। संजीव बोलता है आप उनसे लड़ो सलीम के वास्ते, और पीटर बोलता है पहले इलेक्शन लड़ो, बस इसी पे झगड़ा हो गया। गुड, ये झगड़ा को और बढ़ाओ, कॉलेज में लोगों को और भड़काओ। अभी अगर इन लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आगे जाकर इन लोग क्या करेंगे? संजीव आजकल कालेकर का घर बहुत जाता है, कहीं उसका चक्कर उसकी छोकरी के साथ तो नहीं? नॉट एट ऑल, संगीता का चक्कर तो पीटर के साथ चल रहा है। क्या? एक क्रिश्चियन छोकरा और हिंदू छोकरी, गुड। अब हम पीटर को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेंगे। इतना नाराज होने की क्या बात, मान जाओ, अब मान भी जाओ यार। देखो मैं हिंदी फिल्म हीरोइन की तरह तुम्हारे पीछे पीछे गाना गाते नहीं आऊंगी। किसी शायर ने खूब कहा है, क्या मजा बार बार मिलता है तुम्हें हमसे रूठ जाने में, रूठने में लगती हैं दो घड़ियां, रूठने में लगती हैं दो घड़ियां, उम्र कट जाएगी मनाने में। वाह वाह वाह, आदावर्ज है, आदावर्ज है, आदावर्ज है। पीटर, ओ पीटर, जब से तुम्हारी संजीव से बहस हुई है तुमने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। मेरे सामने संजीव का नाम मत लो तुम। अरे दोस्त है वो हमारा, साथी है, और फिर तुम ही ने तो उसे सैबी के सामने खड़ा होने पर मजबूर किया, और अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कहे वही हम सब करें। सलीम की हमें भी फिक्र है और इलेक्शन भी जरूरी है, वरना वो सैबी सर पर सवार हो जाएगा। वो अपनी जगह सही है, तुम अपनी जगह सही, मिल बैठकर हल निकाला जा सकता है, लड़ झगड़ के थोड़ी ना। और फिर सोचो इस बात का इलेक्शन पर भी असर पड़ सकता है। जिस तरह अभी समझा रही हो वहां नहीं समझा सकती थी, वहां तो तुम संजीव की तरफदारी करी थी, मेरी नहीं। अच्छा जी, अब बात समझ में आई। संजीव का साथ देने से तुम्हें जलन हो रही थी, इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और हर आशिक की तरह यही चाहते हो कि तुम्हारी महबूबा सिर्फ तुम्हारी तरफदारी करे, चाहे बात सही हो या गलत। नहीं ये बात नहीं है, मैं संजीव की वजह से बहुत अपसेट हूँ। मैं तुम्हारी हर नजर को पहचानती हूँ, और तुम्हारी आंखों से साफ पता चलता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें बता दूं पीटर, कि मैंने अगर किसी से भी प्यार किया है तो सिर्फ तुमसे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है। अरे तुम तो इमोशनल हो गई हो, मैं मानता हूँ कि संजीव की तरफ बोलते हुए मुझे बुरा जरूर लगा, लेकिन तुम्हारे प्यार पर शक ना कभी किया है ना करूंगा। आई लव यू संजीव।
अब तो नाराजगी हमेशा के देखा था। हाँ। और संजीव से देखो अब इसके बारे में बात ना करो, मुझे सोचने का मौका दो। सोचो बाबा सोचो, लेकिन सोचने में मेरा बर्थडे नहीं भूल जाना। संगीता मैं अपनी हर चीज भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी कोई चीज कभी नहीं भूल सकता। कल मिलेंगे। बाय। Peter Samuel, Joel Fernandez. Nice meeting you, लेकिन इस तरह गाड़ी रोकने का क्या मतलब हुआ? तुम मेरा Christian brother है, तुमको कुछ समझाने का है। क्या? तुम कालेकर का लड़की से लव करता है? Good. उसको Christian religion में लाएगा? Very good. ये मेरा personal मामला है, और मैं इसमें किसी को interfere करने का right नहीं देता। Good. चलो personal life में कुछ नहीं बोलता, लेकिन कॉलेज लाइफ में बोल सकता है। तुम संजीव से लड़ाई किया, फिर से गुड, क्योंकि अब क्रिश्चियन और क्रिश्चियन दोनों मिलके वो हिंदू को हटा सकता है। तुम्हारा लेक्चर खत्म हुआ? हाँ, अगर तुम अपन का मतलब समझा तो। मतलब भी समझ गया और तुम लोगों को भी। हम स्टूडेंट्स को बाहर की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। एंड नंबर टू, हम ना हिंदू है ना मुसलमान ना क्रिश्चियन है, हम दोस्त हैं, समझे? धर्म मजहब और रिलीजन के नाम पर हम स्टूडेंट्स को भड़काने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सिर्फ अनपढ़ अनएजुकेटेड लोगों पर असर डाल सकते हो, लेकिन वो भी अब थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। वाह वाह, तुम कालेकर का सन इन लॉ बन के बड़ा लीडर बनेगा, लेकिन संजीव तुमको नहीं बनने देगा। तब तुम मेरा याद करोगे लिटिल ब्रदर, तुम याद करोगे। तुम्हारे सजेशन का थैंक्स। ओके, अप योर्स मैन। गुड आफ्टरनून बॉयज। गुड आफ्टरनून फादर। बैठो फादर। इलेक्शन की तैयारियां हो गई? हाँ फादर, कल वोटिंग है। संजीव मैंने सुना है तुम्हारा कुछ पीटर के साथ में झगड़ा हुआ है। देखो सन, ये अच्छा नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना इस ग्रुप के लिए। फादर खास कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। छोटी सी चिंगारी को लोग हवा देकर आग बना देते हैं। अगर तुम आपस में लड़ते रहे तो ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फादर हमने तो इन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। नहीं मानते हैं तो मैं पीटर को समझाता हूँ। कहाँ है पीटर? वो तो आज आया नहीं। और संगीता? आज संगीता का बर्थडे है, हम सब वहीं जा रहे हैं। फादर आप भी प्लीज आइएगा। हाँ फादर। हाँ फादर प्लीज। ठीक है चलेंगे। Many happy returns of the day, Sangeeta. Thank you. केक कटने के बाद आना था। मैडम एक गुरु ने कहा है कि पार्टी में लेट आने से इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है। आज आपने कुछ प्रॉमिस किया था? मैंने प्रॉमिस? अच्छा, जैसे कुछ याद ही नहीं है। जरा पिलर के पास आइए, आपके रोजी लिस्ट करो। अरे मैं मानती हूँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन यहाँ क्यों? और ये लो, ये दोनों आ गए। ओह नो, हाय पीटर। हाय। Excuse me, मैं अभी आई। मुबारक हो संगीता। Thank you. कल हम तुम्हें मुबारकबाद देंगे। किस बात की? अरे इलेक्शन जीतने की। तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ, और मेरा यकीन कभी नहीं टूटता। हाय संजीव। हाय। मैंने तो कहा था। हेलो फादर। Happy birthday, Sangeeta. What a pleasant surprise, Father. देखो तुमने हमको नहीं बुलाया था, लेकिन हम आ गए without invitation. It's my honor. अरे वो तो उधर ही खड़े हो गए। हमारे एज ग्रुप का कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। Where's your father? Daddy meeting में है। अच्छा। Hello, Father. Hello, hello. Oh, thank you, thank you. Don't worry about me. Okay, Father. Go and enjoy yourself. Thank you, Father. Okay, Father. और आप कैसे हैं, Father? मैं बहुत अच्छा हूँ, thank you. Very nice party. Just a minute, Father. May I? Sure.
कमी है। क्या? उन दोनों को देखिए ना, कैसे अलग अलग खड़े हैं, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारी पार्टी में आया था कि शायद इन दोनों को मिलूंगा यहाँ पे और कुछ समझा सकूं। Do something, father, वरना पार्टी में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तुम संजीव को समझाओ, मैं पीटर को समझाता हूँ। ओके। पीटर। यस फादर। यस फादर। गुड पार्टी। हाँ, तुम्हारी इलेक्शन के बारे में क्या राय है? आई डोंट नो फादर। क्यों? तुम्ही ने तो संजीव को जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़ा किया और तुम ही कह रहे हो कि इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? फादर, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। ऐसा नहीं है सन, अब जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो वो तुम्हारे बारे में यही सोचता होगा। पीटर का दिल बहुत नर्म है, तुम एक बार हेलो कहोगे वो तुम्हें गले लगा लेगा। क्या आज इस खुशी के मौके पर तुम उससे दोस्ती नहीं करोगे? मेरा इस पार्टी में आने का मकसद एक ही था, पीटर, कि मैं तुम्हें और संजीव को मिला सकूं। अब तुम्हारे मिल जाने की खबर देखना, कल सैबी के लिए कॉलेज में धमाका होने वाला है। आओ, आ जाओ। अरे बॉयज, क्या एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहोगे? कल सुबह देख लेना, अपने दिलों को मिलाओ। या फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी फादर, एक मिनट प्लीज। इस काम की इजाजत आप बंदे सलीम को। होल्ड योर सन। थैंक यू। पीटर सैमुअल, नेशनल कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। कम ऑन, स्माइल। संजीव कामत, हमारे होने वाले जनरल सेक्रेटरी। आई प्रेजेंट द टू ऑफ यू, पीटर सैमुअल, संजीव कामत। कम ऑन। डाल के गया ना? नहीं नहीं, मैं तो सैबी के चीटिंग नहीं चलेगा यहाँ पे। कॉलेज का इलेक्शन है ये, कोई स्टेट इलेक्शन नहीं। वेट, फादर मारियो, आप पार्शियलिटी से काम कर रहे हैं। कॉलेज स्टाफ को कॉलेज इलेक्शन में बोलने का कोई हक नहीं है। यू आर राइट माय सन, लेकिन चीटिंग करने वालों को रोकने का ड्यूटी जो है ना वो हमारा। और ये अभी अभी वोट डाल के गया है, और अगर तुम्हें लिस्ट देखने का है ना। मैं इस वास्ते से नहीं आया हूं, स्टूडेंट्स को जो लेक्चर आप सुना रहे थे वो मैंने सुन लिया है। अब प्रिंसिपल से मैं आपका कंप्लेन करूंगा। यू कैन गो एंड डू व्हाट यू लाइक। ओके, चले चलो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये जीत ना संजीव कामत की है और ना ही हमारे ग्रुप की, ये जीत आप सबकी है, इस कॉलेज की है। ये यूनियन एक साल तक आपके हाथ में आई है और आप सब हमारे साथ मिलकर इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन आप सब ने मुझे जो पोस्ट दी, जो इज्जत दी, मोहब्बत दी, उसके लिए थैंक्स कहने के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। फ्रेंड्स,
दो दिन के बाद ब्रेक डांस कॉम्पिटिशन फाइनल्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे कॉलेज से लव कुश भाग लेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वहाँ पहुँचे और हमारी कॉलेज टीम को चीयर करें। ये! तू का होली मिजाज साले कि तू जीत तलो मुड़ अ फॉल्स प्राइड दैट यू आर गोइंग टू विन। लेकिन क्या हुआ, संजीव ने सारा यूनियन कैप्चर कर लिया और तुम देखते रहे। अगर ऐसे ही कॉलेज से कॉलेज हमारे हाथ से निकलते रहे ना तो हमारा बिजनेस डेड हो जाएगा, डेड। अरे किस चीज की कमी है तुम लोगों को? ब्रदर हम बोलता है संजीव को ही हटा दो रास्ते से। मिस्टेक पे मिस्टेक। जोएल अभी वो टाइम नहीं आया है। पात्र हूं वो फादर मारियो ने सारी गड़बड़ कर दी। कॉलेज के अंदर संजीव को फादर मारियो सपोर्ट करता है और कॉलेज के बाहर शशांक काले कर। हम खेल पहले अंदर से शुरू करेंगे। मतलब फादर मारियो इनका काबार कोर, फिनिश हिम ऑफ। ये काम इलेक्शन से पहले होता तो मैं हारता नहीं। तुम्हें सिर्फ कॉलेज की पड़ी है, मुझे सारे स्टेट की पड़ी है, क्योंकि मैं अपना बिजनेस और लीडरशिप होल्ड कर सकूं। और इसीलिए फादर मारियो को फिनिश करना बहुत जरूरी है। पन सर, फादर मारियो तो प्रीस्ट है, लोग भड़क जाएंगे सर। लोगों ने अपना मतलब निकालने के लिए जीसस क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ा दिया था। और ये काम मार्कोस करता लो। इसके भी दो रीजन है। पहला, सैबी का कॉलेज फंक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फादर मारियो मार्कोस से टॉयलेट में मिल चुका है। मार्कोस फादर के पास कन्फेशन के लिए जाएगा, फादर ना नहीं बोल सकेगा। और कन्फेशन बॉक्स से फादर मारियो सीधा हेवन चला जाए। दूसरा लोग सोचेगा ये काम हिंदू का है, क्योंकि क्रिश्चियन अपने फादर को कभी मार नहीं सकता। फादर, मुझे कन्फेशन देना है फादर। अभी? प्लीज फादर, आपने जो मुझे कॉलेज के टॉयलेट में कहा था वास्तव में मेरे दिल में घुटन सी पैदा कर रही है फादर, और मैं उसी के बारे में कन्फेस करना चाहता हूँ फादर। लेकिन मैंने तो अपने स्टूडेंट्स प्रॉमिस किया है कि मैं उनके डांस कॉम्पिटिशन में आऊंगा। तुम एक काम करो, कल सुबह आ जाओ। प्लीज फादर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Ladies and gentlemen, presenting our compere this evening, Napoleon Bonaparte Gonzalez. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Intercollegiate Breakdance Contest, sponsored by Finex Styles, the finest styles, and presented to you by Hotel Fidalgo. Now, without wasting much time, let's get on with our first contestant this evening, Mr. Praveen Bhatt from St. Xavier's College up at Mapsa. The next performer, ladies and gentlemen, is very special. In fact, he is a special entry.
This little fellow comes from a school called Sharda Mandir. I present to you a very sweet bundle of talent, Anuj! Give him a big hand, ladies and gentlemen! Come on! It's time to present to you the last contestant of this evening, the one and only synchronous twins, the twins who are a poetry in motion. They are a poetry in synchrony. I present to you the one and only Love and Kush. अच्छे आदमी को फादर मारियो के मर्डर के केस में बहुत अफसोस है और तुम तो ज्यादा करीब थे उनके। तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकता हूं, लेकिन बेटे ये सारे पॉलिटिक्स के खेल हैं। लेकिन फादर मारियो को पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, हर अच्छा आदमी, हर नेक आदमी जब बुराई के अंधेरे को मिटाने के लिए बाहर निकलता है
तो बुराई के काले नाक सामने आके खड़े हो जाते हैं कि कभी न कभी तो हमारे रास्ते से निकलेगा, और यही फादर मारियो के साथ हुआ है। लेकिन फादर मारियो ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें यह सजा मिली? हाँ बेटे, तुम जाते हो, फादर मारियो ने ड्रग्स के खिलाफ पहले आवाज उठाई, सलीम को पीटने से उन्होंने ही बचाया। इतना ही नहीं संजू, तुम्हारी और पीटर की दोस्ती में उन्हीं का हाथ था, लेकिन ये उन लोगों को पसंद नहीं आया। फादर मारियो उनके धंधे में दीवार हो रहे थे, बस उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने रास्ते की दीवार हटा दी। मैं समझ गया, ये सब डेनिस परेरा का काम है, मैं उन हत्यारों को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं संजू, ये जंग होश में रहकर जीती जा सकती है, जोश में नहीं। तुमने खबरें तो पढ़ी होगी, सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे, लेकिन इस समय डेनिस परेरा के खिलाफ कुछ करना इसका मतलब शहर में और हिंसा बढ़ाना होगा। मैंने कुछ और प्रोग्राम बनाया है उन सब से निपटने के लिए। संजू, उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वो कैसे सर? स्टूडेंट्स यूनिटी तुम्हारे हाथ में है, तुम यूनियन के लीडर हो। फादर मारियो के खून के सिलसिले में तुमने जो स्टेटमेंट दिए वो सब मैंने पढ़े। तब से बेटे तुम्हारे रूप में लोगों को एक नया लीडर नजर आने लगा है। अरे मैं कहता हूं क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। एक एमएलए के गुजरने के बाद बाय इलेक्शन होने के बहुत चांसेस है। मैं मेरी पार्टी के लोगों से बोलकर तुम्हें टिकट दिलाऊंगा। हाँ, तुम जरूर जीतोगे। और फिर बेटे मेरा भी तो कोई बेटा नहीं, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूं। संगीता का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर। थैंक यू सर। सुखी रहा बेटा। अच्छा सर। हाय मॉम। किसके साथ आया तू संजू? वो संगीता के डैडी हैं, यहाँ के एमएलए। अच्छा, और वो तुझे छोड़ने आए? हाँ मॉम। क्या बात है, आज बड़ा खुश है तू? बस यूं ही मॉम, यूं ही। Thank you.
नो 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 नो, मेरी बुद्धि को हो क्या गया है? इतने बड़े बड़े फैसले मिनटों में करने वाला मैं एक छोटा सा फैसला कर नहीं पाता? क्या बड़ी गंभीर समस्या दादा साहिब? इतनी गंभीर समस्या है पुरुषोत्तम, जिसका अंत जल्द से जल्द होना चाहिए। अपन हुक्म करा पुरुषोत्तम। संगीता की मां के गुजर जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार से पाला, उसकी हर खुशी मैंने पूरी की, राजनीति में होते हुए भी कभी उसका मैंने ख्याल नहीं छोड़ा। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मेरी ही बेटी मेरी इच्छाओं की चीता बनाए और पीटर उसमें आग लगाए। कौन पीटर? संगीता का बॉयफ्रेंड, मेरा दामाद बनने के सपने देख रहा है। संगीता उसे के साथ बाहर गई है। क्या संगीता भी उससे प्यार? अरे वही तो मुश्किल है, दोनों बहुत करीब आ रहे और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों के विवाह का बंधन मेरी सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के पहले कहीं मेरे गले का फंदा न बन जाए। दादा साहिब मैं समझा नहीं। अरे मराठी हिंदू भी मेरी तरफ है, वो सब नाराज हो जाएंगे, कल कहेंगे शशांक कालेकर की बेटी दूसरे धर्म में उसने दे दी। पुरुषोत्तम हम नेता लोग नेशनल इंटेग्रेशन की बातें हम जरूर करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज की भी बातें हम जरूर करते हैं देश की हालत को देखते हुए। अरे पण आतू ना आम्हाला असं थोडंच वाटत, जब सब एक हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? इसीलिए पुरुषोत्तम जनता को अपने हाथ का खिलौना बनाए रखना जरूरी है ताकि सत्ता हमारे हाथ में रहे। इससे एक फायदा होगा, क्रिश्चियंस आपके फेवर में आ जाएंगे। पुरुषोत्तम तू राजनीति नहीं जानता, 100 क्रिश्चियनों को अपनी तरफ करके 1000 हिंदुओं को अपने से दूर करना ये तो पागलपन होगा। या जन्मात तरी सीएम होण्याची आशा बाळगायला नको। पुरुषोत्तम पीटर रुकावट है मेरे लिए। रुकावट को मैं रोकूंगा। कैसे? अपन हुक्म करा तो उसे हमेशा के लिए सुला दूंगा।
तुम सच नहीं बोलोगे? मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। मैंने पीटर का खून नहीं किया, वो मेरा दोस्त था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा कि पीटर का मर्डर तूने ही किया। मैंने पीटर का खून नहीं किया, मैंने नहीं किया पीटर का खून। साहब तो कब बात रहो आप? बस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डेविड। संजीव कुछ बोला? वो कुछ नहीं बोला सर, वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि पीटर की आवाज सुनकर वो बीच की तरफ भागा था। वो सच बोलता है, बट हु वांट्स द ट्रुथ डेविड? यही तो अपना चांस है काले कर को और उसके पार्टी को लोगों के सामने नीचा दिखाने का। पुट अ फिंगर इन हिज थ्रोट और उससे उगलवाओ कि काले कर ने उसे पीटर को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि काले करके बेटी से पीटर का वास्ता था। पुट प्रेशर ऑन हिम, उसके मां का, उसके मदर और सिस्टर का प्रेशर डालो उसके माइंड के ऊपर। वो बोलेगा, जरूर बोलेगा, क्योंकि वो फैमिली टाइप का लड़का है। यस सर। वॉस पीटर सैमुअल संजीव कामत बेकसूर है। संजीव कामत बेकसूर है। पीटर सैमुअल इस तरह तुम सब लोग कानूनी कार्यवाही में अड़चन पैदा कर रहे हो। नहीं चाहिए आपका ये अंधा कानून जो एक दोस्त को दोस्त के कत्ल में फांस दे। मैं कहता हूँ संजीव कामत अगर बेगुनाह है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। कब छोड़ दिया जाएगा? हम सब जानते हैं उसे अंदर कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। जी हाँ सर, हम सब स्टूडेंट्स ने अपने देश के नेताओं से यही सीखा है कि जब अपनी बात मनवानी हो तो हड़ताल करो, भूख हड़ताल करो, धरना धरो, चाहे इससे देश का नुकसान ही क्यों ना हो। तो धरना आज से और अभी से हम लोग करने जा रहे हैं। धरना शुरू। क्या हुआ संगीता? डैडी ने संजीव की जमानत दे दी है। संगीता अंदर चले, जमानत की कार्रवाई करनी है। हाँ जाओ संगीता, हम सब संजीव को जल्दी देखना चाहते हैं। संजीव कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं। डैडी ने तुम्हारी जमानत करा ली है। मैं तुम्हारे डैडी और तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ही रात में क्या क्या हो जाएगा। पीटर सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, लेकिन मेरे लिए मैं उसके जितना करीब थी और अब वो। संगीता मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं।
शायद जिंदगी फिर मौका दे ना दे। किन्हीं कमजोर लम्हों में मैंने तुम्हारे सपने देखे थे, तुम्हें पाने की तमन्ना की थी। आज जब पीटर नहीं रहा, ये पाप मेरे हृदय को छलनी की दे रहा है। तुम्हारा और पीटर का रिश्ता जानते हुए भी मैंने तुमसे प्यार करने का पाप किया है। नहीं संजीव, प्यार कभी पाप नहीं होता, प्यार हमेशा पवित्र होता है। जहां मैं पीटर को दिलो जान से प्यार करती थी, वहीं तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक प्यार भरी इज्जत थी, और वो इज्जत इस इज़हार से और बढ़ गई है। संगीता, मेरे दिल से एक बोझ हट गया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, आजाद होते ही मैं पीटर के कातिल को हजारों में ढूंढ निकालूंगा। उसके कातिल का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। नहीं संजीव, जज्बातों को विवेक पर हावी मत होने दो। हमें कॉलेज को उन दरिंदों से आजाद कराना है जो पीटर के कातिल हैं। पीटर का फ्यूनरल कब है? कल। मैं पीटर के फ्यूनरल में जाना चाहता हूं। जरूर संजीव। नमस्कार दादा साहब। अरे आओ पुरुषोत्तम, आओ आओ बैठो। क्या समाचार लाए हो? पीटर की मौत ने आग पर तेल छिड़का और आपकी जमानत ने उसे हवा दे दी। लेकिन लेकिन क्या? इससे डेनिस परेरा के कैंप को बहुत फायदा होगा दादा साहब। फायदे की वो सोचते हैं पुरुषोत्तम जिन्हें नुकसान का डर होता है। ये राजनीति है। तुम देखना, हम ऐसी चाल चलेंगे कि डेनिस परेरा को चक्कर आ जाएगा। कैसी चाल दादा साहब? मैं तुझे समझाता हूं। कल पीटर का फ्यूनरल है, संजीव वहां जाने वाला है। तुम अपने आदमियों से संजीव पर पत्थरों की बारिश करवा दो। लेकिन संजीव को तो आप अपना दामाद बनाना चाहते थे। कभी किसी नेता ने मतलब निकल जाने के बाद अपने वादे पूरे किए हैं? वो भी एक चाल थी संजीव को अपनी तरफ लाने की। ये भी एक चाल है। लोग समझेंगे कि डेनिस परेरा ने ही संजीव पर पत्थर फेंकवाए, टेंशन और बढ़ जाएगा। मान गए दादा साहब, आप बहुत दूर की सोचते हैं। ये तो कोई बेवकूफ भी सोच सकता है। दूर की बात तो यह है पुरुषोत्तम, सीएम को वार्निंग मिल चुकी है कि कुछ ही दिनों में अगर हमारा प्रदेश शांत नहीं हुआ तो दूसरा सीएम लाया जाएगा, और वो दूसरा सीएम मैं। इसीलिए पुरुषोत्तम, जितने दंगे फसाद बढ़ेंगे उतनी सीएम की कुर्सी मेरे पास आएगी। तो फिर देखिए दादा साहब कि फ्यूनरल में क्या होता है।
किसी ने मारा? क्या? एक क्रिश्चियन को हिंदू ने मारा? और मारो। डेनिस, ये राजनीति है और राजनीति में रहने के लिए और सत्ता में रहने के लिए कई चालें चलनी पड़ती हैं, समझे? हाँ, अब ये खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चाल कब और किस तरह चलनी चाहिए। काले कर, तुमने जो स्टेट में रायट्स करा के अपना उल्लू सीधा किया है, उसे भला मुझे क्या फायदा? तुमने फादर मारियो के साथ और दीपक बांदोड़कर के साथ जो किया लिसन, मैं अपनी पार्टी का लीडर बनने वाला हूं, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। स्टेट में शांति को अशांति में बदलने वाला कोंकणी मराठी झगड़े को क्रिश्चियन हिंदू के झगड़े का शेप देने वाला स्टेट में शांति चाहता है? कमाल है कालेकर। हाँ, लेकिन मेरे इन चक्करों से तुम्हें फायदा नहीं हुआ क्या? सारे स्कूल कॉलेजों में तुमने ड्रग्स सप्लाई किए, फिर भी मैं खामोश रहा। कालेकर, ये सारी बातें हम फोन पर न करके क्या एक मीटिंग नहीं कर सकते? हाँ, बोलो कहाँ। मैं तुम्हें ठीक 10 बजे कल सेंटा मोनिका पर मिलूंगा। सेंटा मोनिका? ठीक है, तो कल बराबर 10 बजे हम लोग सेंटा मोनिका पर ही मिलते हैं। गुड नाइट कालेकर। गुड नाइट डेनिस। संजीव, संजीव, क्या बात है संजीव? मैं कई बार तुम्हारे घर भी गई, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रही है। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे घर गया था। डैडी मिले? क्या बात है संजीव, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या बात है संजीव, तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं। और परेशान हैं हम सबकी परेशानी, जानती हो इस शहर में हिंसा फैलाने वाला मालूम कौन है? कौन है, कौन है संजीव, बताओ? शशांक कालेकर, MLA, तुम्हारे डैडी। क्या? मिस्टर कालेकर, एक कहावत है, वो आए हमारी बोट पे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपनी बोट को देखते हैं। बहुत खूब डेनिस, इन सब के मौजूदगी में हम बोल सकते हैं? वास साबे। यस पात्र, किते प्योंग हार्ड। वह पात्र प्लीज। डेनिस, सैबी की जमानत तुम्हें ने करवाई और फादर मारियो का कत्ल भी तुम्हें। तुमने अपने इस आदमी के जरिए क्या क्या नहीं करवाया, सब काउंट नहीं करूंगा, लेकिन बेकरी ब्लास्ट, पीटर का मर्डर तुमने इसी से करवाया और संजीव पे पत्थर भी तुमने इसी आदमी के जरिए फिकवाए। हाँ, मैं मानता हूं कि तुमने और मैंने अपने अपने मतलब के लिए
किन किन का खून बहाया है। डेनिस, यही तो राजनीति है। मैं जो चाहता था वो जल्दी पूरा होने वाला है। मैं कुछ ही दिनों में सीएम बनने वाला हूँ। आई नो। और इसीलिए तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कब कहा मैं सीएम बनना चाहता हूँ? आई एम नॉट अ फूल। मैं जानता हूँ मेजोरिटी आपकी है। मुझे तो सिर्फ अपने दो नंबर के धंधे से मतलब है। मेरे सीएम बनने के बाद तुम्हें हर तरह से छूट है, लेकिन तुम्हारे धंधे में 25% मेरा भी होना चाहिए। मैं तब तक आपका पूरा साथ दूंगा जब तक मेरे काम होते रहेंगे। डन। 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ बेटे संजू, आओ। मुझे देखकर आपको हैरत तो नहीं हुई? हैरत कैसी, हमें तो खुशी हुई तुम्हें यहां देखकर। हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सही मौके पर आ गए हो। इनसे मिलो। आप है डेनिस परेरा, वही जो केएलएम की नेतागिरी की आड़ में सारे स्टेट में ड्रग्स का जाल फैलाए बैठा है, जो फादर मारियो और इंस्पेक्टर बांडोडकर का कातिल है, जिसका जाल तोड़ने के लिए आप मेरी मदद चाहते थे, और आज ये आपके साथ हाथ मिला रहा है। ओहो संजू, गुस्सा थूक दो। गुस्सा मनुष्य से उसकी अकल छीन लेता है। अरे बेटे वहां क्यों खड़े हो? यहां आओ जहां तुम्हारी सही जगह है। कालेकर साहब, अब मैं आपकी शतरंज का मोहरा नहीं बनूंगा। मैं अपनी जगह जान गया हूं। मेरी जगह मेरे देश के लोगों के बीच में है, ना कि आप जैसे दुश्मनों के बीच। हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ मत बनो संजीव। जनता तो बेवकूफ है और रहेगी। जनता के बीच रहकर तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं। तुम्हारी जगह वो है जहां से तुम जनता पर राज कर सकते हो। तुम्हारी जगह सत्ता है, जनता नहीं। नहीं कालेकर साहब, जनता बहुत बेवकूफ बन चुकी है, लेकिन अब नहीं बनेगी। मैं उनके पास जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा, इन्हें पहचानो, ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईसाइयों का नेता बनकर ये एक भोले भाले शरीफ फादर मारियो का खून कर सकते हैं। एक और तो नेशनल इंटीग्रेशन की दुहाई देते हैं, और वही दूसरी तरफ अपनी जवान बेटी को जीते जी विधवा बनाने से चूकते नहीं। धर्म और भाषा के झूठे नारे देकर ये भाई को भाई से लड़वा सकते हैं। पहचानो इन्हें, ये वही हैं जिन्होंने अपने मतलब के लिए देश के दो टुकड़े कर दिए। पंजाब, आसाम और गोरखालैंड आज इन्हीं जैसे नेताओं के काले करतूतों के शिकार हैं। आज सारा देश इन्हीं जैसे मक्कार नेताओं और अफसरवादियों की लगाई हुई आग में झुलस रहा है। इन्हें पहचानो और उखाड़ फेंको इन्हें, इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। शाबाश शाबाश, लेक्चर तो तुम बहुत अच्छे दे लेते हो, मगर अफसोस है यंग मैन, ये तुम्हारा लेक्चर जनता तक नहीं पहुंचेगा। ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर होगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। Thank you.
सभी उसे लोगों तक नहीं पहुंचने देना। सभी टेक योर कवर गुड, पकड़ उसे, भागने मत दो। सभी फिनिश हिम ऑफ। कम 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 ऑन। We'll be right back.
कैसे लगते हैं तुम्हें इकड़े अब बगा हाँ तुमचा मुर्गा हो सकत होता ये तुम्हारा बेटा हो सकता था आहो तुझे भाव जाओ पाचा ये तुम्हारा भाई हो सकता था ये तुम्हारी लाश हो सकती थी This could have been you. चुप ना रहो यू बास्टर्ड कुछ तो कहो मुझे बताओ गूंगे बहरे कायरों मुझे बताओ कि मैं अपने दोस्त की लाश लिए यहां तुम्हारे सामने कब तक बैठी रहूं मुझे बताओ राजनीति के साथ ये बलात्कार कब तक धर्म के साथ मजहब के साथ ये बलात्कार कब तक मातृभाषा के साथ ये बलात्कार कब तक इस देश के साथ ये बलात्कार